हेलो, वेलकम, नमस्ते। वापस आ गई हूँ मैं। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक और प्रेपोजिशन की, जो कि होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि जो भी आप डायरेक्शंस यूज करते हैं, राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, दिशाओं की जब बात करते हैं तब हम टू, इन, इनटू, ऑन और ऑन टू भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं इन प्रेपोजिशंस की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप और यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉमन वाले हैं। मैंने कहा था कि रिपीट होंगे ये सारे प्रेपोजिशंस, क्योंकि ये हर जगह आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि इसमें भी ऑन है, उसमें भी ऑन है, उसमें भी ऑन है, तो मतलब क्या है। इसीलिए एक एक कैटेगरी से समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूं द मॉल इज टू योर नॉर्थ, आप नॉर्थ में जाएंगे, आपके नॉर्थ में मॉल है, तो टू योर नॉर्थ, आपका नॉर्थ मतलब योर नॉर्थ और टू योर नॉर्थ, तो पॉइंट करते हैं तब हम टू यूज करते हैं। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल, फ्रंट मतलब कि सामने, मॉल के बिल्कुल आगे है कार, इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल। वैसे ही प्लीज कम इन टू द हाउस, घर के अंदर आइए प्लीज, इन टू द हाउस मतलब अंदर आइए। ड्राइव ऑन टू द ग्रास, ग्रास के ऊपर चढ़िए, तो ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड पार्क इट देयर, तो ग्रास के ऊपर चढ़ा लो और वहीं पे पार्क कर दो, तो ये मतलब है ऑन टू का। तो ये सब जब डायरेक्शंस की बात होती है तब आप ये सारे प्रपोजिशंस यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने नोट किया होगा टू है, इन है, ऑन है, ऑफ है, ये सब काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। वैसे अगर स्पेस की बात करूँ, स्पेस का जगह होता है लेकिन लोकेशन वाली जगह की बात नहीं है, कोई भी स्पेस की बात करनी है तो मैं बहुत सारे प्रेपोजिशंस यूज कर सकती हूँ। अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अहेड ऑफ, अलोंग, अमंग, अराउंड, बिहाइंड, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं। जितने मैंने यहाँ लिखे हैं उससे भी ज्यादा प्रेपोजिशंस हैं जो हम स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेस मतलब कुछ भी हो सकता है, मेरे आसपास की चीज़ें, सराउंडिंग्स, कोई भी चीज़, तो उसके बारे में बात करने के लिए चीज़ का रिलेशनशिप देखना पड़ता है। जैसे अबाव का मतलब है ऊपर, एक डिस्टेंस में ऊपर, ऑन का मतलब है सरफेस पे ऊपर और अबाव का मतलब है एक डिस्टेंस पे ऊपर। तो वी वर फ्लाइंग अबाव द क्लाउड्स, मतलब हम क्लाउड्स के भी ऊपर उड़ रहे थे, क्लाउड्स हमारे नीचे थे, हम उनके ऊपर थे, तो अबाव का वो मतलब है। तो हम क्लाउड्स के रिलेशन में कहाँ थे, वी वर अबाव देम। वैसे ही द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्टेशन, अक्रॉस मतलब एग्जैक्ट सामने नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अक्रॉस द स्टेशन मतलब अगर स्टेशन इस तरफ राइट पे है तो पोस्ट ऑफिस जो होगी वो सामने की तरफ उसके लेफ्ट पे होगी, तो हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्टेशन। देख रहे हैं ना आप, मैं दो चीजों की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्टेशन के रिलेशन में पोस्ट ऑफिस कहाँ है ये मैं जानना चाहती हूँ, तब मैं अक्रॉस कह रही हूँ। ऑपोजिट कहती तो होता एकदम सामने, अक्रॉस है तो थोड़ा टेढ़े में है। हर हेड वॉज अप अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल मतलब वॉल है तो बिल्कुल उस पर अड़ा हुआ है उनका सर, तो हर हेड वॉज अप अगेंस्ट द वॉल, तो वॉल के बिल्कुल अड़ रहा है उनका सर, मतलब शायद उन्हें लग रही है। वैसे ही द थिएटर इज जस्ट अहेड ऑफ द मॉल, तो मतलब मॉल से थोड़ा आगे है, किसके आगे है, मॉल के आगे है। तो थिएटर का रिलेशनशिप मैं आपको मॉल के रिलेशनशिप के हिसाब से समझा रही हूँ कि मॉल से आगे है, हो सकता है कि पार्क से पीछे हो लेकिन मॉल की बात कर रही हूँ तो आगे है। तो इस तरीके से जब भी आप प्रपोजिशंस यूज कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप एक चीज का रिलेशनशिप दूसरी चीज के बेसिस पे समझा रहे हैं और आपका प्रपोजिशन उस हिसाब से कभी गलत नहीं पड़ेगा। वैसे ही एजेंसी के भी प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे कि किस चीज से हमने कुछ किया तो वो है एजेंसी। तो आई सेंट द पार्सल बाय पोस्ट, कैसे भेजा, पोस्ट से भेजा, तो बाय पोस्ट। द लेटर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो कैसे डिस्ट्रॉय हुए, फायर से डिस्ट्रॉय हुए, इसीलिए बाय फायर। आई हर्ड अबाउट द ऑडिशन थ्रू अ फ्रेंड, किससे सुना, फ्रेंड से सुना, इसीलिए थ्रू अ फ्रेंड। कट इट विथ अ नाइफ, किससे काटो, नाइफ से काटो। तो यहाँ पे दो चीजें नहीं है, यहाँ पे एक्शन है और किससे करना है वो है, क्रिया किससे किया है वो है, तो उसका मतलब है एजेंसी। एजेंसी का मतलब है जब आप किसी चीज की मदद लेते हैं कुछ करने के लिए तो उस चीज को हम एजेंसी बोलते हैं, और उसके लिए हम बाय, विद,
ऐसे सारे प्रपोजिशंस हम यूज कर सकते हैं बताने के लिए कि किससे हमने क्या किया है। वैसे ही मैनर के भी प्रपोजिशंस होते हैं, जब हमें बताना है कि किस तरीके से कुछ हुआ है तब हम मैनर वाले प्रपोजिशंस यूज कर सकते हैं। इसमें विथ बहुत कॉमन होता है, विथ जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। तो अगर मैं कहूँ तो सोल्जर्स फॉट विथ करेज, तो उसका मतलब है बहादुरी से। बहादुरी क्या है? मैनर है, तो बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक। वैसे ही द एम्प्लॉयज वर्कड विद अर्नेस्टनेस, काफ़ी ईगर थे एम्प्लॉयज, काफ़ी अच्छे से वो लोग काम कर रहे थे। वैसे ही द यांकीज वॉन विद ईज, मतलब बड़ी आसानी से यांकीज जीत गए। किससे? आसानी से। आसानी क्या है? मैनर है, किस तरीके से, आसानी से। वैसे ही वी लॉस्ट द मैच बाय 4 runs, कैसे हारे? 4 runs से हारे, तो बाय 4 runs, तो वो है मैनर। इन्हें कहते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। अभी तक आप बहुत सारे सीख चुके हैं, इसलिए अब एक और आपको सिखाने जा रही हूँ। ये है प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज रीजन, यानी कि पर्पस, यानी कि किसी कारण के जो प्रेपोजिशंस होते हैं, क्यों हुआ कुछ, ये बताने के लिए कौन से प्रेपोजिशंस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ बहुत कॉमन है, तो मैं जब कहती हूँ डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गए। कैसे मरे? हार्ट अटैक से मरे, तो हम क्या बोलेंगे? He died of a heart attack. वैसे ही he did it for our own good, हमारे अच्छे के लिए किया। क्यों किया? हमारे अच्छे के लिए किया, तो he did it for our own good. He suffered from depression, किसी बीमारी की बात कर रही हूँ मैं, और उससे उनको सफर करना पड़ा, उनको गुजरना पड़ा, तो मैं कहूँगी from. He suffered from depression. मर गए तो क्यों मरे? Of heart attack. सफर कर रहे थे, गुजर रहे थे, तो किससे गुजर रहे थे? डिप्रेशन से, इसीलिए फ्रॉम। शी लॉस्ट हर पर्स थ्रू नेग्लिजेंस, क्यों खोया? क्योंकि उनका ध्यान नहीं था। बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस अगर मुझे बोलना है तो उसके बदले मैं बोल सकती हूँ थ्रू नेग्लिजेंस। प्रेपोजिशन मेरा थ्रू रहेगा। ही इज शिवरिंग विद फीवर, किससे शिवर कर रहा है, कैसे शिवर कर रहा है और क्यों कर रहा है? उसे बुखार है इसीलिए वो कांप रहा है। He is shivering with fever. तो with जब मैंने यूज किया तो मैंने बता दिया उसे ये बीमारी है, इस वजह से वो हो रहा है शिवर, यानी कि कांप रहा है। तो with, तो जब भी मैं कोई कारण बताने की कोशिश करती हूँ तो मैं ऑफ, फॉर, फ्रॉम, थ्रू और विद यूज कर सकती हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रपोजिशन हैं जो कि मैं यूज कर सकती हूँ। वैसे ही अगर पोजेशन यानी कि ओनरशिप की अगर मैं बात करती हूँ, कौन सी चीज़ किसकी है, यहाँ ये मेरी है, ये इसकी है, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज किए जा सकते हैं। देयर वॉज नो मनी ऑन हिम का मतलब है उसके पास पैसे नहीं थे। अब आपको पता है कि ऑन का मतलब सरफेस के ऊपर होता है, पर यहाँ पे जब हम ऑन यूज करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उस इंसान की। तो देयर वॉज नो मनी ऑन हिम मतलब उनकी जेब खाली थी, जेब में पैसे नहीं थे, ठीक है? तो ऑन हिम तब हम यूज करते हैं। तो ऑन का मतलब यहाँ पे सरफेस नहीं है, उस इंसान की बात कर रहे हैं हम। वैसे ही अगर मैं बोलूँ द मॉस्क ऑफ उमर, किसकी मॉस्क? उमर की मॉस्क, तो किसका? जब ये सवाल आता है तब बात होती है ओनरशिप की, यानी कि पोजेशन की, तो तब आप ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे आदमी है? बहुत ही अकलमंद आदमी है, तो ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस किसकी है? मैन की है, इसीलिए मैंने ऑफ यूज किया। आई सॉ अ बॉय विद रेड हेयर, बॉय के पास क्या है? रेड हेयर है। रेड हेयर किसके हैं? लाल बाल किसके हैं? उस लड़के के हैं। तो पोजेशन यानी कि ओनरशिप, यानी कि किसका है उसकी बात हो रही है, तब मैंने विद भी यूज किया। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रपोजिशंस अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं किसी मेजरमेंट की बात करूँ, कोई स्टैंडर्ड रेट या वैल्यू की बात करूँ, या प्राइस की भी अगर बात करूँ, तो मैं कह सकती हूँ एट, बाय, ऐसे प्रपोजिशंस यूज कर सकती हूँ। He charges interest at 9%, कितने पे चार्ज कर रहा है? 9% पे चार्ज कर रहा है, तो मैं at यूज कर सकती हूँ। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, क्या मेजरमेंट है? कपड़ा मीटर में बेचते हो या इंच में बेचते हो या यार्ड में बेचते हो? यार्ड में बेचते हैं। द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, तो बाय। आई एम टॉलर देन यू बाय 2 inches, मैं तुमसे 2 inch से लंबी हूँ, तुमसे लंबी हूँ, तो आई एम टॉलर देन यू बाय 2 inches, कितना? बाय 2 inches।
तो जहां भी मेजरमेंट की बात आती है वहां पे एट और बाय ज्यादातर केसेस में गलत नहीं पड़ते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो एक और टाइप के प्रपोजिशंस को समझ लीजिए, जो कि है प्रपोजिशंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट चीज, ठीक है। तो अगर आप एक सेंटेंस में दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं तो आप इन टाइप के प्रपोजिशंस यूज कर सकते हैं। इसका कोई लिस्ट नहीं है, बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इंस्पाइट ऑफ लिखा है तो डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं। ये वाले कुछ कॉमन है। तो अगर मैं बोलूं आफ्टर एवरी एफर्ट वन माइट फेल, मतलब आप कितना भी कर लेंगे हो सकता है फिर भी आप फेल हो जाए। तो एफर्ट लगाना एक चीज है, फेल होना उसका ऑपोजिट चीज है। इसलिए वो कॉन्ट्रास्ट की बात में हमने आफ्टर यूज किया है। With all his faults, I admire him. उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो मुझे वो पसंद है। With all his faults, तो उसकी faults एक चीज है और मेरा उसे पसंद करना opposite चीज है। In spite of his wealth, he is not content. Content का मतलब है satisfied नहीं है। तो पैसा है वो एक चीज है पर satisfied नहीं है वो उसका opposite है। तो ये कॉन्ट्रास्ट के जो प्रपोजिशंस है वो कॉमन वाले आफ्टर और विद है, उसके अलावा आप बहुत सारे और यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एक लास्ट प्रपोजिशन समझ लेते हैं रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए, कि मोटिव सोर्स या ओरिजिन, ऐसी कोई चीज हमें समझानी है कि किसी की शुरुआत कहाँ से हुई, किसी का सोर्स क्या है, मतलब अगेन शुरुआत कहाँ से हुई या किसी का मकसद क्या है। तो उसके लिए हम फ्रॉम को बहुत बार यूज कर सकते हैं। फ्रॉम इसमें बहुत कॉमनली यूज होता है। From what I know of him, I hesitate to trust him. जितना मुझे मालूम है उसके बारे में उस हिसाब से तो मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगी उसके ऊपर। तो जितना मैं जानती हूँ तो मेरा उसके बारे में जानना उसका ओरिजिन है, तो मैं शुरू से इतना जानती हूँ इसके बारे में। वैसे he did it from gratitude. इसमें हम out of भी लगा सकते हैं, he did it out of gratitude, वो भी सही है। पर ग्रेटिट्यूड से किया उन्होंने, कहाँ से आया ये एक्शन उनके तरफ, उनके अंदर जो ग्रेटफुलनेस थी, जो ग्रेटिट्यूड था, जो कि इंसान जब थैंकफुल होता है किसी चीज़ के लिए तो उसमें से आया। तो वो ग्रेटिट्यूड क्या है, उसका सोर्स है, तो फ्रॉम ग्रेटिट्यूड। दिस इज़ अ कोटेशन फ्रॉम मिल्टन। किसने बोला था ये, मिल्टन ने बोला था। तो मिल्टन हमारे ओरिजिन है, हमारे सोर्स हैं और उनमें से ये कोटेशन आया, तो मैंने फिर से फ्रॉम यूज़ किया। His skill comes from practice. कहाँ से आया, प्रैक्टिस में से आया, तो सोर्स क्या है, प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से जब आपने सोर्स की बात की है तो फ्रॉम सबसे सेफेस्ट है प्रपोजिशन यूज करने के लिए। आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है और सबसे ज्यादा हमने बात की है प्रपोजिशंस की, और अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलेशन में कौन से प्रपोजिशंस किस तरीके से यूज होते हैं उसके भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। लेकिन इसके लिए काम आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर होते जाएंगे प्रपोजिशंस में। और सबसे ज़्यादा ऑफ टू और इन का मतलब आप समझ लीजिए, एट का भी समझ लीजिए, ये वाले बहुत ही कॉमन है। ये आ गए तो समझो सब कुछ आ गया। और मैं अगली बार वापस आने वाली हूँ आपसे मिलने कंजंक्शंस की बात करने, क्योंकि अगर प्रपोजिशंस आ गए तो कंजंक्शंस क्यों बाकी रह जाए, तो उसकी भी हम अगली बार बात करेंगे। लेकिन अगली बार मिलूंगी तो बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।